Bismillah ar-Rahman rahim In the last lecture, we discussed two disadvantages of inflation targeting regime or inflation targeting strategy. Now, in this lecture, we will discuss two more disadvantages. The third disadvantage of inflation targeting regime is that there is potential for increased output fluctuation. Ke inflation ka target achieve और मीडियम टर्म जो इन्फ्लेशन का न्यूमेरिकल टारगेट दिया गया है वो अचीव हो जाए जिसको हम कहते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर हो गई तो हो सकता है ऐसा तो हो जाए लेकिन उसकी एक कीमत इकोनॉमी को अदा करनी पड़े एक कास्ट पे ऐसा हो इन्फ्लेशन टारगेट अचीव हो लेकिन एक कास्ट पे अचीव हो और वो कास्ट क्या है कि जो आउटपुट है वो उसकी फ्लक्चुएशन इंक्रीज हो जाए जैसे किसी वक्त अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं आपको यह पता है कि इन्फ्लेशन रेट दो वजह से ज्यादा हो सकता है या तो डिमांड पुल होगा या कास्ट पुश होगा तो डिमांड पुल का तो मतलब है डिमांड साइड से इन्फ्लेशन आ रहा है लेकिन कास्ट पुश का मतलब है कि सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर नेगेटिव सप्लाई शॉक आ जाए उस नेगेटिव सप्लाई शॉक का मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और आउटपुट कम हो जाएगी तो अगर सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम के अंदर है और उसने इन्फ्लेशन का टारगेट अचीव करना है तो वो हायर इन्फ्लेशन को फोर्सी करते हुए अपनी पॉलिसी टाइट कर देगा अब चूंकि आउटपुट तो पहले ही पोटेंशियल से कम हो चुकी है नेगेटिव सप्लाई शॉक की वजह से तो इस टाइट पॉलिसी की वजह से आउटपुट और ज्यादा कम हो जाएगी तो भले इन्फ्लेशन रेट का टारगेट अचीव हो जाएगा लेकिन आउटपुट की वोलिटिलिटी बढ़ जाएगी आउटपुट की फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगी इसका मतलब यह है कि अगर सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के वक्त सेंट्रल बैंक पॉलिसी टाइट करता है तो जो आउटपुट का लॉस नेगेटिव सप्लाई शॉक की वजह से आया था वो पॉलिसी टाइटनिंग की वजह से फर्दर इंक्रीज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो रहा है लेकिन आउटपुट का जीडीपी का और उसकी बेस पे एंप्लॉयमेंट का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है अब हम इस सजेशन को भी देखते हैं इस ऑप्शन को भी देखते हैं कि क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम के अंदर होते हुए कोई पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन के साथ कुछ आउटपुट को भी वेट दे दिया जाए तो इसमें कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बाहर आल रहती है जैसे नंबर वन जब सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं दुनिया में जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम के अंदर हैं उनका कुछ ना कुछ कंसर्न आउटपुट से बाहर हल होता है यानी कि वो टोटली इन्फ्लेशन पे फोकस्ड नहीं है अब वो तो थी थेरी प्रॉब्लम हो सकता है अब उसकी प्रैक्टिस बता रहा हूं कि जो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं क्या उनका आउटपुट से कोई कंसर्न नहीं है या कुछ ना कुछ कंसर्न होता है उनका आउटपुट से यानी कि आउटपुट का लॉस ज्यादा हो रहा हो तो सेंट्रल बैंक क्या सिर्फ इन्फ्लेशन का टारगेट फिर भी अचीव करेंगे या उस आउटपुट के लॉस को भी वेट देंगे कि वो नहीं होना चाहिए तो इसमें एक पॉइंट जो सबसे पहला है वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं जितने भी हैं जिनके हां इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम है उनके कंट्रीज के अंदर किसी का भी टारगेट इन्फ्लेशन रेट जीरो नहीं है कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है अब ये इन्फ्लेशन रेट का टारगेट पॉजिटिव होना इट आउटपुट का कंसर्न शो करता है यानी कि अगर तो इन्फ्लेशन रेट को जीरो पे टारगेट किया जाए कि बिल्कुल इन्फ्लेशन होने ही नहीं देना फिर शायद आउटपुट का लॉस बहुत ज्यादा हो जाए जब भी पॉलिसी टाइट करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप यह कहें कि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में रहना है लेकिन वो कंट्रोल का मतलब है कोई पॉजिटिव नंबर टू परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट तो उस केस में इसका मतलब यह है कि टू परसेंट या थ्री परसेंट का टारगेट रखने का मतलब ही यह है कि आप सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस नहीं कर रहे कुछ ना कुछ आउटपुट के लिए भी आप कंसर्न शो कर रहे हैं इसी तरीके से कि एक और वजह से भी इन्फ्लेशन का जो है वो टारगेट पॉजिटिव रखा जाता है और वो है डिफ्लेशन से बचने के लिए हम जब मॉनिटरी थे पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि डिफ्लेशन बड़ा कॉस्टली होता है उससे आउटपुट का बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाता है इकॉनॉमी क्राइसिस में चली जाती है कब जब डिफ्लेशन हो जाए तो इन्फ्लेशन का टारगेट अगर जीरो रखा जाए तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो बार बार डिफ्लेशन की तरफ चला जाए इकॉनॉमी क्यों उसकी वजह यह है कि जो ही जीरो से थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट नीचे हुआ डिफ्लेशन आ जाएगा जबकि इन्फ्लेशन रेट टू परसेंट थ्री परसेंट हो तो एक परसेंट कमी भी हो गई तो फिर भी पॉजिटिव इन्फ्लेशन रहेगा डिफ्लेशन नहीं आएगा तो चूंकि डिफ्लेशन से बचा जाता है तो यह भी एक आउटपुट का कंसर्न ही है सेंट्रल बैंक का दूसरा अगर आप प्रैक्टिस देखें तो जितने भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक्स हैं उनका बाहर अल आउटपुट स्टेबिलाईजेशन पे माइनर फोकस सही लेकिन रहता है अब हमारा फोर्थ डिसएडवांटेज जो है वो है लो इकोनॉमिक ग्रोथ अब इशू पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़ा जरूरी है क्योंकि हम डेवलपिंग इकॉनॉमी है जो डेवलपिंग इकॉनॉमी होती है उसका मतलब यह होता है कि अभी उसे हायर ग्रोथ रेट अचीव करना है ताकि हम डेवलप कर सकें जब डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हम होते हैं और उस वक्त हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को हर्ट करें तो यह हमारी जैसी इकॉनॉमी के लिए अच्छा नहीं है तो अब अगर इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस चला जाए और ग्रोथ पे कम फोकस हो तो फिर ये डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है लेकिन इसमें दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट ये है कि जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ का लॉस होता है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है ऐसा सिर्फ तब तक होता है जब तक सेंट्रल बैंक डिस इन्फ्लेशनरी मोड में है डिस इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि हमारा एवरेज इन्फ्लेशन 8 परसेंट या 10 परसेंट के करीब है और हमारा सेंट्रल बैंक टाइट पॉलिसी के जरिए उस एवरेज को फाइव परसेंट पे लाना चाहता है तो जब तक हमारा एवरेज फाइव परसेंट पे आता रहेगा तो पॉलिसी जरा ज्यादा टाइट रहेगी और आउटपुट का लॉस होता जाएगा लेकिन अगर इकॉनॉमी फाइव परसेंट एवरेज पे पहुंच गई उसके बाद यह लॉस खत्म हो जाएगा तो एक तो यह इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है और दूसरा इशू जो इस सूरत में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम ये तो कहेंगे कि डेवलपिंग कंट्री जो कि पाकिस्तान है जैसे इसके लिए ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। लेकिन हम ग्रोथ की कुर्बानी नहीं दे सकते लेकिन साथ ही साथ हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से अचीव की जा सकती है कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर ऐसी बना दी जाए जो ग्रोथ एनहांसिंग हो तो क्या उससे हाई ग्रोथ अचीव हो जाएगी यह जरूरी नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट रन में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट जरूर दे सकती है लेकिन लॉन्ग रन में जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो सप्लाई साइड से चेंज होता है वो एजुकेशन से चेंज होता है वो हेल्थ से चेंज होता है स्किल से चेंज होता है ट्रेनिंग से चेंज होता है ह्यूमन कैपिटल से ओवरऑल चेंज होता है मॉनिटरी पॉलिसी से लॉन्ग रन का ग्रोथ पोटेंशियल चेंज नहीं हो सकता थैंक यू